आज हमें फोटो उधर पहुँचे हैं सर, काफ़ी रोड रोपे के शिला ने उद्घाटन किया, क्या कीजिए? देखिए, हमीरपुर शहर को सुंदर बनाने के लिए कई वार्डों में कई योजनाएं। इस स्कूल का ग्राउंड जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आया था तो उस समय कीचड़ से भरा हुआ था, बराबर भी नहीं था। और मैंने देखा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो उस संदर्भ में मैंने उसी दिन सोचा था कि इस ग्राउंड का जीर्णोद्धार करना है। तो अब शुरुआत हो चुकी है, अच्छा ग्राउंड बनेगा, यहाँ बच्चों को खेलने को अच्छी घास उगेगी। इसी तरह कुछ छोटे छोटे जो हमारे सारे तकरीबन 3 करोड़ रुपए के करीब आज के उद्घाटन हैं, और मेन मकसद हमारा हमीरपुर जो मेडिकल कॉलेज है उसको स्ट्रेंथन करना है। जो पेशेंट आते हैं उनका किस प्रकार से हमने इलाज करना है, उस मकसद से हम आज की मीटिंग में। सर, जयराम ठाकुर का बयान है कि गारंटियों से कितनी दिशा में काम करना है। गारंटियाँ जब पूरी हो जाती है तो उसके अलावा और भी काम करने पड़ते हैं। वो तो झूठ ही बोलेंगे, वो तो झूठ के सौदागर हैं। आप बताइए, इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति इतनी बड़ी कमज़ोर है, और अनुराग ठाकुर भी आकर ये बोलते हैं कि हाँ, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं स्टेट के, हर वे ही से पूछ लेते कि हमारी ट्रेजरी का क्या हाल है। तो ऐसी झूठी बातों से राजनीति करने की ऐसे उनकी लोगों को बोलना नहीं चाहिए। तो यही कहूँगा कि आंकड़ों के आधार पर बात की जाए, और जो 85,000 करोड़ जयराम जी कर्जा छोड़ के गए हैं हम उससे भी निपट रहे हैं। 10,000 करोड़ की जो सरकारी कर्मचारियों की लाइबिलिटी छोड़ के गए हैं उससे भी निपट रहे हैं। और पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे शब्द ढूंढ के ले आते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। तो बीजेपी जो है ना, वह फैलाने का ज़्यादा काम करती है, काम करने का काम करती है। काम हम कर रहे हैं ना, देखो आपका झांसी पार्क अच्छा बन रहा है, ये ग्राउंड अच्छा बन रहा है, और भी अच्छे बन रहे हैं। गांधी चौक नहीं सुझा अभी तक इतने सालों से, सब सुंदर चीज़ें हम बना रहे हैं। और मेरा ध्येय सिर्फ काम करना है, मेरा ध्येय सिर्फ राजनीतिक रोटियाँ सेकना नहीं है। और राजनीतिक रोटियाँ वो सेकते हैं जो उनको सिर्फ झूठ ही बोलना है। हम बिल्कुल अच्छे काम करना चाहते हैं और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.com।